इस देश के शासन की धुरा किस पार्टी के हाथ में होगी, किस व्यक्ति के हाथ में होगी, मगर पूरे देश में कहीं पर भी संशय नहीं है, प्रश्न चिन्ह नहीं है। देश ने तय किया है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। साथियों, 75 साल में इस देश ने 17 लोकसभा के चुनाव देखे हैं, 22 सरकारें देखी हैं, 15 प्रधानमंत्री देखे हैं। देश ने जितनी भी सरकारें आई अपने अपने समय में, हर सरकार ने समयानुकूल विकास करने का प्रयास किया है, मगर आज मैं कोई कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं कि समग्रता से विचार, हर क्षेत्र का विकास और हर व्यक्ति का विकास करने का काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के अंदर देश सुरक्षित हुआ, देश समृद्धि की ओर आगे बढ़ा। 60 करोड़ गरीब जो आजादी के 75 साल तक, 70 साल तक अपने आप को विकास की प्रक्रिया के बाहर मानते थे, उसको मालूम ही नहीं था कि देश आजाद हुआ, लोकतंत्र आया, मुझे क्या मिला, मेरा क्या हिस्सा। भाइयों और बहनों, 60 करोड़ गरीबों को घर देना, घर में गैस का सिलेंडर देना, पीने का पानी का कनेक्शन देना, बिजली पहुंचाना, शौचालय देना, 5 किलो अनाज गरीब को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देना और 5 लाख तक का स्वास्थ्य का उसका खर्चा भी सरकार ने उठाया। आज ये 60 करोड़ गरीब अपना बैंक अकाउंट भी रखते हैं और डिजिटल इंडिया से एक गरीब महिला अपनी सब्जी भी परचेज कर पाती है, सब्जी भी खरीद करती है। इन लोगों के जीवन में 70 साल तक जो सारी अभाव था, वो अभाव को एक ही 10 साल में समाप्त करने का काम हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज ये 60 करोड़ लोग अपने आप को देश के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ पाते हैं। आज ये 60 करोड़ लोग हमारे संविधान की सार्थकता को महसूस कर रहे हैं। 10 साल में इतना बड़ा परिवर्तन आया। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।